आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गर्मियों की जान, सबके फेवरेट मैंगो मिल्क शेक की रेसिपी। मैंगो मिल्क शेक पीना सभी को पसंद होता है और मैं घर पे ही आपके लिए एकदम मार्केट जैसा क्रीमी, एकदम स्मूथ, बहुत ही टेस्टी मैंगो मिल्क शेक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वाओ किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की इंटरेस्टिंग रेसिपी शुरू करते हैं। मार्केट जैसा मैंगो शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक पका हुआ आम। इस आम को हम लोग ऊपर से ऐसे कट करेंगे। इसे अच्छे से धो के मैंने ले लिया था और इसे फ्रिज में रखा था मैंने। ये ठंडा आम है और इसे अब हम लोग कट करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हाफ कर दी हूँ मैं आम को और बीच में ऐसे इसे हम स्लाइसेस में कर लेंगे ताकि इसे निकालने में आसानी रहे। तो इस तरह नाइफ़ की मदद से इसे हम लोग स्लाइसेस में कर देंगे और ये देखिए, फिर इसे हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सारे पल्प को हम लोग एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो सारे आम के पल्प को मैं ऐसे निकाल लेती हूँ नाइफ़ की मदद से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो आम के पल्प को मैंने निकाल के ले लिया है और अब हम लोग क्या करेंगे कि एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें सारे आम के पल्प को डाल देंगे। साथ में हम लोग डालेंगे ठंडा दूध। तो यहाँ पे 2 कप ठंडा दूध मैं डाल रही हूँ। ये फ्रिज का रखा हुआ एकदम चिल्ड मिल्क है और ये फुल क्रीम मिल्क है। तो ध्यान रहे, गाढ़ा दूध ही लें आप ताकि हमारा मैंगो शेक एकदम स्मूथ बने। साथ में मैं 2 बड़े चम्मच चीनी डाल दी हूँ और 1/2 छोटी चम्मच इलायची का पाउडर डाली हूँ। आप चाहे तो इसमें केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं। 5 से 6 आइस क्यूब भी हम लोग इसमें डाल देंगे। फिर हम लोग जार का ढक्कन लगा देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। तो यहाँ पे ब्लेंड कर लेते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, मैंने ब्लेंड कर लिया है और एकदम स्मूथ क्रीमी हमारा गाढ़ा मैंगो शेक बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ कि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रीमी और गाढ़ा दिख रहा है बिना किसी आइसक्रीम के, बिना किसी क्रीम के। ऊपर से मैं इस पर थोड़ा सा फ्रेश क्रीम डाल देती हूँ, ये घर की फ्रेश मलाई है। और ऐसे एक चेरी से हम लोग इसे डेकोरेट कर देते हैं, इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देगा। साथ में मैंने थोड़ा सा पुदीना का पत्ता लगा दिया है साइड में ताकि ये सुंदर लगे। इट्स ऑप्शनल है टोटली। और ये हमारा बहुत ही टेस्टी सुपर डुपर मैंगो मिल्क शेक बन के तैयार हो गया। मार्केट जैसा या मार्केट से भी बेहतर कह सकते हैं इसको, एकदम फ्रेश और क्रीमी टेक्सचर वाला मैंगो मिल्क शेक बन के तैयार हुआ है बिना किसी आइसक्रीम के ही। आप सिंपली इस तरीके से बहुत ही टेस्टी मैंगो शेक बना सकते हैं। तो गर्मियों का मौसम है, मार्केट में पके हुए आम मिल रहे हैं, आप भी पके हुए आम से इस तरह से बिना आइसक्रीम डाले, बिना कोई क्रीम डाले, एकदम टेस्टी और एकदम क्रीमी मैंगो शेक बना के पीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी ये मैंगो शेक की रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।